हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी हमारी चल रही है और इसमें हम कर रहे हैं चैप्टर 2, जिसका नाम है ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस। इसमें हम ऊपर वाले सारे टॉपिक्स कर चुके हैं कवर, मेजरिंग डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, डिबेट कंटिन्यू, ये सारे हम कवर अप कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पीछे की वीडियोस देख सकते हो। आज हम शुरू करेंगे इंट्रोस्पेक्टिंग डेवलपमेंट से। अब हमने देखा था कि डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर जो इकोनॉमिस्ट है, एक्सपर्ट्स है, स्कॉलर्स है, उसको लेकर वो कंफ्यूज हो रहे हैं। और जो असली कंफ्यूजन है ना, वो तब आई थी जब शुरू हुए थे वर्ल्ड बैंक। जब वर्ल्ड बैंक बनी, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आ गया, तो इसके बाद फिर उनको जो डेवलपमेंट का मीनिंग है उसको लेकर और ज़्यादा कन्फ्यूजन होनी शुरू हो गई कि डेवलपमेंट असली है किस चीज़ का नाम। तो इसके लिए फिर एक्सपर्ट्स ने जो डेवलपिंग वर्ल्ड था वहां के डेवलपमेंट प्रोसेस को स्टडी करना शुरू करा, और जो डेवलप्ड कंट्रीज थी वहां की जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स थी उनका सर्वे करना शुरू करा धीरे धीरे, सो दैट कि उनको समझ आ सके कि डेवलपमेंट चीज क्या है। तो फिर इन सब चीजों से उनके दिमाग में एक चीज तो आई कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, वो ज्यादा डेवलप्ड है एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो ज़्यादा डेवलपमेंट है। अगर हम एचडीआई का रैंक भी उठाकर देखें तो एचडीआई में भी जो टॉप 20 रैंक्स में आते हैं वो वेस्टर्न वर्ल्ड की कंट्रीज ही आती है। और उसके बाद आए फिर सोशल साइंटिस्ट। सोशल साइंटिस्ट ने क्या करा, सोशल साइंटिस्ट ने जो वहाँ पे लोग रहते थे उनकी कंडीशन ऑफ लाइफ को इवेल्युएट करना शुरू करा कि जो वहाँ के लोग हैं उनकी लाइफ कंडीशंस कैसी है, वो किस हिसाब से रहते हैं। फिर उन्होंने बहुत सारी स्टडीज करने के बाद क्या कंक्लूजन निकला, उनका कंक्लूजन ये निकला कि ये जो डेवलप्ड वर्ल्ड है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोग खुश रहते हैं, हैप्पीनेस है यहाँ पे, यहाँ के लोग बहुत खुश हैं। खुश रहने का कारण क्या है, रीजन है कि इन कंट्रीज में क्राइम बहुत कम है, ना के बराबर क्राइम है, करप्शन भी बहुत कम है, बर्गलरीज, एक्सट्रॉशन, ड्रग ट्रैफिकिंग, फ्लैश ट्रेड, रेप, होमिसाइड, मॉरल डिग्रेडेशन, सेक्सुअल परवर्शन, ये सब चीजें जो है ना यहाँ पे ये बहुत ही कम है, ना के बराबर है ये सब चीजें जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे। तो इसीलिए वो कंट्रीज डेवलप्ड है और वहां पे और ज्यादा कुछ नहीं है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ लोग खुश रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये निकल कर आता है कि जो डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट से हैप्पीनेस नहीं आता। ये ज़रूरी नहीं है कि वो कंट्री डेवलप्ड है बट वहाँ के लोग खुश हों, ये ज़रूरी नहीं है। डेवलपमेंट से हैप्पीनेस नहीं आती, डेवलपमेंट से पीस ऑफ माइंड नहीं मिलती। अब आप एक इंडिविजुअल की एग्जाम्पल ही ले लो, अब एक चीज़ मांगेगा फिर दूसरी की डिमांड होती है, तीसरी की डिमांड होती है, वो कभी खुश नहीं होता, कभी भी उसको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलती। तो इसीलिए यहाँ पे भी सेम वही हो रहा है वर्ल्ड में भी, अगर हम बात करें इकोनॉमीज की बात करें तो जो डेवलपमेंट है उससे हैप्पीनेस नहीं आ रही, पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता डेवलपमेंट से, जनरल वेलबींग नहीं होती। तो जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट जरूरी नहीं है कि डेवलपमेंट से सब चीज़ें ही मिले, तो अच्छी स्टेट नहीं एक बन सकती डेवलपमेंट से। तो उसके बाद जो स्कॉलर्स थे उन्होंने बहुत सारी और रिसर्च करी वर्ल्ड में, अराउंड द वर्ल्ड उन्होंने देखा, बहुत सारे एफर्ट्स करे डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो एट द एंड उन्होंने ये बताया कि हमें जो डेवलपमेंट की डेफिनेशन है ना, उसको प्रीडिफाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो डेवलपमेंट की डेफिनेशन है उसमें हैप्पीनेस की बात आती ही नहीं है, जो डेवलपमेंट की डेफिनेशन है उसमें हैप्पीनेस का नाम भी आना चाहिए। अब बात ये आती है कि डेवलपमेंट से जो है वो हैप्पीनेस क्यों नहीं आती। अब डेवलपमेंट हो रही है तो हैप्पीनेस भी तो आनी चाहिए ना, अब डेवलपमेंट से हैप्पीनेस क्यों नहीं आती, इस क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स फिर सामने निकल कर आए। सबसे पहले इन्होंने क्या देखा, सबसे पहले देखा कि जो इकोनॉमिस्ट ने बहुत सारी जो कंट्रीज है वहाँ पे इन्होंने सर्वे किया, वहाँ पे इन्होंने स्टडी की, स्कॉलर्स ने भी देखा, तो उन्होंने फिर बात करी प्रोग्रेस के बारे में। उन्होंने देखा कि हम बात करते हैं प्रोग्रेस के बारे में, तो प्रोग्रेस का मतलब हम क्या समझते हैं, प्रोग्रेस का मतलब समझते हैं हम ओवरऑल हैप्पीनेस। कि अगर हम बोलते हैं किसी कंट्री की प्रोग्रेस हो रही है, किसी इकोनॉमी की प्रोग्रेस हो रही है, तो उसका मतलब होता है ओवरऑल हैप्पीनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि वहाँ के जो लोग हैं उनकी भी ओवरऑल हैप्पीनेस बढ़ रही है। अगर किसी कंट्री की प्रोग्रेस हो रही है तो वहाँ के लोग भी धीरे धीरे खुश रहेंगे, मतलब वो सेटिस्फाइड रहेंगे, वो हैप्पी रहेंगे लोग वहाँ के।
फिर अगेन फिर से आगे सोशल साइंटिस्ट, फिर जो सोशल साइंटिस्ट थे उन्होंने ये वाले जो वर्ड्स है, प्रोग्रेस हो गया, ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, वेल बीइंग हो गया, वेलफेयर हो गया, इन सब वर्ड्स का एक और सिनोनियम लेकर आए जिसका नाम उन्होंने रखा हैप्पीनेस। अब सोशल साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, ठीक है प्रोग्रेस हो रही है, ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, तो हैप्पीनेस भी इन्हीं में आती है, हैप्पीनेस इनसे अलग नहीं है, हैप्पीनेस भी इन सब चीज़ों में ही आती है। जो हैप्पीनेस है वो एक नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट है, एक स्टेट ऑफ माइंड है, हैप्पीनेस और कुछ नहीं है, एक स्टेट ऑफ माइंड है, हमारे सोचने का एक तरीका है। कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत ही गरीब बंदा होता है वो भी खुश होता है, और कई बार बहुत अमीर से अमीर इंसान होता है वो भी दुखी होता है। तो पैसे का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, डेवलपमेंट का कुछ लेना देना नहीं है, जो हैप्पीनेस है वो एक स्टेट ऑफ माइंड है, हमारे दिमाग पे डिपेंड करता है। एक दिन में ही देख लो, आप एक इंडिविजुअल की एग्जांपल ले लो, कभी वो खुश होता है, कभी वो दुखी होता है, तो अलग अलग जो हैप्पीनेस है वो एक नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट है, एक स्टेट ऑफ माइंड है। तो जो आइडिया है ये इकोनॉमी टू इकोनॉमी वेरी करता है, हैप्पीनेस का आइडिया भी। अब इंसान को क्या चाहिए, अब ये तो उसकी स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है ना। अब एक पर्सन है वो एक साइकिल से ही बहुत खुश हो जाता है, और दूसरा पर्सन है उसको चाहे ऑडी बीएमडब्ल्यू कोई भी लग्जरी कार ले दो वो उससे भी खुश नहीं होगा। तो ये हैप्पीनेस क्या है, एक स्टेट ऑफ माइंड है। हो सकता है आप छोटी सी चीज से ही बहुत खुश हो जाओ, हो सकता है कि आपको बड़ी से बड़ी चीज भी मिल जाए और आप उससे भी खुश ना हो। तो हैप्पीनेस एक स्टेट ऑफ माइंड है। दूसरा आंसर क्या निकल कर आता है, अब जो हम डेवलपमेंट देखते हैं, डेवलपमेंट की डेफिनेशन देखते हैं, उसको हम एक पीरियड में डिफाइन करते हैं कि किसी पर्टिकुलर पीरियड में क्या डेवलपमेंट हुई है, कि पिछले 5 साल में, 10 साल में या 15 साल में हमने कितनी सप्लाई करी है, कितने मटेरियल रिसोर्सेज हमने सप्लाई करे हैं, ऐसे मटेरियल रिसोर्सेज जिससे ह्यूमन लाइफ की इम्प्रूवमेंट हो सके। तो बेसिकली ये जो मटेरियल रिसोर्सेज है ये कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं बेटर लेवल ऑफ इनकम, कि हम लोगों को इनकम का जो लेवल है उसको बढ़ा पाए हैं, या पिछले 10 साल से 20 साल से या कंपेयर कोई भी मतलब एक टाइम पीरियड ले लेते हैं उसे कंपेयर करते हैं कि हम पिछले 10 साल के मुकाबले हम अब लोगों की जो लेवल ऑफ इनकम है उसको बेटर बना पाए हैं, उनको प्रॉपर लेवल ऑफ न्यूट्रिशन दे पाए हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज उनको कितनी इम्प्रूव हुई उनकी, प्रॉपर लेवल ऑफ लिटरेसी एजुकेशन, ये सब चीज़ें हम जो डेवलपमेंट है उसको हम एक टाइम पीरियड में हम उसको कैलकुलेट करते हैं। उसमें हम मटीरियल रिसोर्सेज देखते हैं कि हम लोगों को ये सब चीज़ें दे पाए हैं, और क्या जो हमने लोगों को चीज़ें दी है वो पहले से इम्प्रूव्ड है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा है कि इनकम, क्या इनकम का लेवल लोगों का बड़ा है, न्यूट्रिशन अच्छा हुआ है लोगों का, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल्स वगैरह हमने पहले से और ज़्यादा बनाए हैं, वहाँ पे हम फैसिलिटीज़ लेकर आ पा रहे हैं या नहीं, या किसी कंट्री का लिटरेसी रेट देखते हैं कि वहाँ के लोगों की एजुकेशन कैसी है, लिटरेसी रेट कितना है, क्या पहले से इम्प्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, ये सब चीज़ों से हम डेवलपमेंट निकालते हैं। अब बट जो हैप्पीनेस है ना, हैप्पीनेस वो डेवलपमेंट से भी एक ब्रॉडर टर्म आ जाती है, हैप्पीनेस डेवलपमेंट से भी ब्रॉडर थिंग आती है। कैसे आती है, जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट को हम कैसे मेजर करते हैं, इसको हम पिछले कुछ डिकेड से मेजर करते हैं, कोई भी टाइम पीरियड, नॉट डिकेड्स, कोई भी 5 साल का, 10 साल का, 20, 25, 30 कोई भी डिकेड ले ले, 2 decades, decades क्या होता है, 10 years का टाइम पीरियड होता है ना, तो कोई भी एक टाइम पीरियड ले लेते हैं, उससे हम डेवलपमेंट को देखते हैं कि इतने टाइम पीरियड में क्या हम मटेरियल रिसोर्सेज लोगों को दे पाए हैं या नहीं दे पाए। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें हम मटेरियल हैप्पीनेस की बात करते हैं, ठीक है। अब जो हैप्पीनेस है ना, हैप्पीनेस भी दो तरह की होती है, कौन कौन सी, एक तो होती है मटेरियल हैप्पीनेस, एक होती है नॉन मटेरियल हैप्पीनेस, ठीक है। अब जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट से हम मटेरियल हैप्पीनेस तो लोगों को दे देते हैं, बट नॉन मटेरियल हैप्पीनेस का क्या, नॉन मटेरियल हैप्पीनेस हम लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। एक्सपर्ट स्कॉलर्स इसी चीज़ पे अटके हुए हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो कहते हैं कि जो डेवलपमेंट हो रही है ना, डेवलपमेंट से आप लोगों को मटेरियल हैप्पीनेस दे पा रहे हो, बट नॉन मटेरियल हैप्पीनेस का क्या, नॉन मटेरियल हैप्पीनेस आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। अब नॉन मटेरियल जो हैप्पीनेस है उसमें क्या आता है, नॉन मटेरियल पार्ट जो है उसमें क्या चीज़ें आती है, उसमें आती है एथिक्स, रिलीजन, स्पिरिचुअलिज्म, कल्चरल वैल्यूज़। अब हर किसी का अलग अलग कल्चर होता है, हर किसी का अपना रिलीजन होता है, उसकी वैल्यूज़ होती है, उसके बिलीव्स होते हैं। आप क्या हर किसी को ये सब नॉन मटेरियल हैप्पीनेस दे पा रही हो। अब रिलीजन में क्या होता है,
अब कई बार होता है किसी रिलीजन को कोई प्रोटेक्ट करता है, किसी कंट्री की गवर्नमेंट कई बार नहीं भी प्रोटेक्ट करती, तो रिलीजन में क्या, ये तो नॉन मटेरियल हैप्पीनेस आ गई ना। अगर किसी के रिलीजन की रिस्पेक्ट हो रही है तो वो खुश है। अब कई बार रिलीजन में भी बहुत सारे झगड़े फसाद, दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ों का क्या, स्पिरिचुअलिज्म आ जाता है, कल्चरल वैल्यूज आ जाती है, कई बार किसी की कल्चरल वैल्यू को कोई कंट्री एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती, तो ये सब चीज़ों का क्या भाई, आप मटीरियल हैप्पीनेस तो दे रहे हो बट नॉन मटीरियल हैप्पीनेस का क्या। तो अब ये क्या बोल रहे हैं, कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट को ह्यूमन डेवलपमेंट भी बोलते हैं, तो जो डेवलपमेंट है उसमें हम मटेरियल टर्म्स तो ले लेते हैं बट नॉन मटेरियल टर्म्स नहीं लेते। इसमें हम मटेरियल हैप्पीनेस तो बता देते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ की जो मटेरियल हैप्पीनेस है वो तो पता चल जाती है डेवलप्ड कंट्रीज की, ठीक है, क्योंकि जो डेवलप्ड होगी वहाँ पे जो अच्छी अच्छी चीज़ें लोगों को मिलती है, उनका मतलब बेटर कंडीशंस हो जाती है उनकी, चलो सारी सहूलतें उनको मिलती है, तो वो तो मटेरियल हैप्पीनेस हो गई ना, बट नॉन मटेरियल हैप्पीनेस का क्या। इट मींस के जो डेवलपमेंट की डेफिनेशन है ना वो एक पार्शियल डेफिनेशन है, वो अधूरी है, वो अभी तक प्रॉपर डेफिनेशन वो निकाल ही नहीं पाए जिसमें के जो मटेरियल और नॉन मटेरियल दोनों चीज़ें कवर अप हो। डेवलपमेंट की एक ऐसी डेफिनेशन होनी चाहिए। डेवलपमेंट में अब हैप्पीनेस सिर्फ मटेरियल हैप्पीनेस ना हो, नॉन मटेरियल हैप्पीनेस भी आनी चाहिए। नॉन मटेरियल हैप्पीनेस के लिए जो डेवलपमेंट के आइडियाज है उनको रीडिफाइन करने की जरूरत है। ऐसे ही फिर एक छोटे से किंगडम की एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने ली है कि एक छोटा सा किंगडम है, उन्होंने अपने हिसाब से डेवलपमेंट को डिफाइन करा है, अपने ही तरीके से उन्होंने डेवलपमेंट को डिफाइन करा है, जिसमें उन्होंने ह्यूमन लाइफ के जो मटेरियल एस्पेक्ट है और नॉन मटेरियल एस्पेक्ट है इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखकर एक इन्होंने एक नया इंडेक्स तैयार करा है, एक नई टर्म लेकर आए हैं जिसका नाम इन्होंने रखा है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ठीक है। और ये कंट्री कौन सी है, ये कंट्री है भूटान, ठीक है। अब 2011-12 के आसपास की बात है, तो उस टाइम पे जो भूटान था वो हैप्पीएस्ट कंट्री हुआ करता था। तो अब ये ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस क्या है, कब आया था, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, राइट। तो आज के लिए इतना ही। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।